Hello everyone, welcome back to Food Marathon. Today I'm going to make chicken maharani. This is a very rich and delicious dish, so if you want to eat something special, you can make this. सबसे पहले आपको चिकन को अच्छे से वॉश करके उसको मैरिनेट करना है फॉर 3 to 4 hours. अगर आपके पास कम टाइम है तो आप आधा घंटा मैरिनेट कर लीजिए. मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए 1/2 cup दही, 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1 teaspoon क्रश्ड रेड चिलीज, 2 teaspoon कसूरी मेथी और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से. अब आप दही को ब्लेंड करके उसमें सारा मसाला और चिकन मिला के अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसको मैरिनेट कर दीजिए. अब प्रिपेयर करेंगे चिकन ग्रेवी के लिए मसाला. उसके लिए हम लोग को चाहिए 2 teaspoon खड़ा धनिया, 1 teaspoon ज़ीरा, 1 teaspoon सौंफ. इसको हम लोग रोस्ट करेंगे जब तक एक अच्छा स्मेल नहीं आ जाए और इसका कलर बहुत डार्क नहीं होना चाहिए. ये रोस्ट होने के बाद ऐसा दिखेगा. अब हम लोग काजू, बादाम, ग्रीन चिली, इलायची और जावित्री का पेस्ट बना लेंगे. अब तेल गरम करके हम लोग को एक अनियन को फ्राई करना है. फ्राई होने के बाद अनियन ऐसा दिखेगा. अब उसमें चिकन ऐड करेंगे. चिकन को हाई फ्लेम पे 5 to 7 minutes तक फ्राई करेंगे जब तक कि उसका पानी नहीं सूख जाता. जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसमें ड्राई फ्रूट पेस्ट और रोस्टेड पाउडर ऐड करेंगे और उसको वापस से हाई फ्लेम पे 5 to 6 minutes पकाएंगे. चिकन को जितना अच्छा फ्राई करेंगे चिकन उतना अच्छा होगा. ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद आपको चिकन को टाइम टू टाइम चलाना है ताकि वो स्टिक नहीं हो जाए. अब चिकन में दूध डालिए और उसको बॉईल कर लीजिए. जब दूध बॉईल हो जाए तो आप चिकन को लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट पकाइए जब तक कि वो गल नहीं जाए. आप चाहें तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, बट ये चिकन दूध में बनता है. अब उसमें रेड चिलीज़ और क्रीम ऐड कर दीजिए और उसको थोड़ा सा पका लीजिए. द यमी चिकन इज़ रेडी. गार्निश इट विद क्रीम एंड कोरिएंडर लीव्स and serve hot with puri or naan. And yes, please don't forget to like, subscribe and share my video.